महंगाई के सताए आवाम पर महंगाई के वार जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी बाकायदा तौर पर किराया बढ़ा दिया है। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, महंगाई के वार हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि किराए जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, और अब बाकायदा तौर पर किरायों में इजाफा कर दिया गया। मुल्तान का किराया जो मुजफ्फरगढ़ से वैगन चलती थी किसी दौर में 50 से 60 रुपये वसूल किया जाता था, उसके बाद जो वो 70 रुपये हुआ, मगर अब इतलात ये हैं और शहरी ये कहते हैं कि 80 से 100 रुपये तक किराया वसूल किया जा रहा है। बात करने के लिए शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कितना किराया था और अब कितना है? पहले सर 70 रुपये किराया, अब ये ले रहे 80 और 100 भी ले रहे हैं। और मुल्तान का गरीब आवाम क्या करेगी, बेरोज़गारों को देखो बेरोज़गार भी नहीं है। अब ये देखो इमरान खान की तरफ से हम ये कहना कहते हैं, सर जी इन्होंने कहा था, वादा किया था हमारे से, भैया आपकी महंगाई हम आपको कम कर देंगे। अब जो घी है अब 400 रुपये किलो है, गरीब आवाम 500 रुपये वाले कहते हैं रोजगार। ये बताएगा कि अलीपुर वाली साइड का किराया कितना, जो लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं उनको कितनी परेशानी है? उनको बहुत परेशानी है, 150 रुपये किराया ले रहे हैं, 200, 150, 180, 200, 250। इनके इनको कोई सोचने वाला कोई भी नहीं है इनसे, भाई पेट्रोल इतना महंगा क्यों किया जाता है, डीजल भी क्यों महंगा किया जाता है, इनके तरफ पूछने के लिए अब इनको क्या किया जाता है। शहरी इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार हैं और यही डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया।